हेलो एंड वेलकम गुरुलोक। देखो 25 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आया, खैर नाम बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाम बहुत लंबा है और इंग्लिश की अपनी पहली मुश्किल पड़ी रहती है। खैर पोस्टर है, तुम पढ़ सकते हो नाम को। लेकिन इसी के साथ साथ बात किया जाए, इस नेटफ्लिक्स को सर्वाइव कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया ये हॉरर था और हॉरर से पहले अपना कान फटा रहता है, फटी पड़ी रहती है और देखने के बाद तो और अच्छे तरीके से फट जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत ही मुश्किलों, परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपन ने इस सीरीज को सर्वाइव कर डाला, इसके सब एपिसोड को निपटा डाला। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें भी लग रहा होगा बकचोदी की मात्रा थोड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो सीरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। बकचोदी नहीं बढ़ने देंगे हम। देखो टोटल 6 एपिसोड सीजन 1 इसका आया है, लेकिन पहले 4 ही एपिसोड ऐड किया गया था, बाद में भी इसके 2 एपिसोड ऐड किए गए। टोटल 6 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए 6 एपिसोड सर्वाइव कर पाना नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, दिक्कत पड़ सकती है। क्योंकि गुरु ये हॉरर है प्लस मॉन्स्टर टाइप चीज़ें तुम्हें हर एक एपिसोड के अंदर नॉर्मली देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बात किया जाए, अगर तुम देखोगे कोई नॉर्मल सीरीज कैसा होता है कि पहले स्टोरी शुरू होती है, एक कहानी को लेकर लास्ट एंड अप तक चलती है, लास्ट एपिसोड तक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हर एक एपिसोड का एक अपना ही स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है और हर एक स्टोरी हॉरर है। खैर अलग अलग नाम दिए गए हैं हर एक एपिसोड को और उसकी कहानी भी डिफरेंट जोनर को लेकर चलती है, किसी प्रकार का लिंकअप नहीं मिलेगा पिछले एपिसोड से अगले एपिसोड से। भाई लोग अगर बात करें कि हर एक एपिसोड की यूनिक कंटेंट के साथ साथ इसमें दिखाया जाएगा किसी को लॉकर में लेकर के, वहाँ से कोई मिस्टीरियस चीज़ मिलेगा और वहाँ से किताबों को लेकर कुछ चीज़ें होंगी, किसी में चित्रकार को लेकर के होगा, किसी में सपनों को लेकर के होगा, किसी में से डिफरेंट डिफरेंट जोनर की कैटेगरी मिला करके 6 एपिसोड क्रिएट किए हैं। लेकिन इसमें से टोटल 6 एपिसोड में से मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड दूसरा, क्योंकि भैया ये रैट वाला एपिसोड था, यानी कि चूहो वाला, बहुत पसंद आया मेरे को। क्योंकि देखो गुरु मरने के बाद जब लोगों को उसमें कैफिन में बंद करके दफना दिया जाता है तो उसमें से चूहे लाश को उड़ा ले जाते थे, चुरा ले जाते थे खाने के लिए, और प्लस उनकी गुफा देखने का तो मैं फट गई। उसके अंदर एक इंसान तक घुस जाता था, सलांदर पूरा चोरी करने के लिए वो खोलता था उसको कैबिनेट को, लेकिन उसके अंदर घुसते हुए पूरा अंदर और अंदर सुरंगें देख मेरी हिल चुकी थी। एक तो गलत काम तो ये मैंने कर दिया कि सिर्फ सीजन को रात में शुरू किया, जैसे मेरी और फट गई, अंदर भूतिया चीज़ें, कंकाल और भी चीज़ें, और इसी के साथ जब वो एकदम बड़े मॉन्स्टर टाइप चूहे की एंट्री हुई, फट गई मेरी, मेरे हालत ख़राब, वाट लग गई बहन चो, क्या देख लिया, क्योंकि वो गलती से मैंने रात में चालू कर दिया यार, मतलब एक घंटे डेढ़ घंटे का नींद भी बर्बाद हो गया मेरा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाँ लेकिन एक चीज़ तो है, कुछ यूनिक तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कंट्रोल में रहना मांगता है, डरना मत ज़्यादा, डर बहुत ज़्यादा लगेगा इसको लेकर के, अगर रात में शुरू मत करना, दिन में ही देखना। लेकिन हाँ इसी के साथ साथ एक बात करना चाहूँगा कि इसमें न्यूडिटी यानी कि सेक्सुअल कंटेंट हैं, बट एक्चुअली में सिर्फ दिखाए गए हैं, करके नहीं दिखाए गए हैं, कुछ कुछ ऐसे सीन्स हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द सीन तुम्हें देखने के मिलेंगे। सो मैं भी तुम 18 प्लस हो तभी देखना, फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। सो ओवरऑल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और तुमने यदि सीरीज देख रखी है तो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।